सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन कर लेते हैं जो आपके प्रीवियस टॉपिक गूगल मीट पे डिस्कस हुए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, ताकि आपके सारे डाउट जो हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि ओपन लूप और क्लोज लूप, ठीक है, ओपन लूप और क्लोज लूप का न्यूमेरिकल अगर कोई भी आया, जैसे मान लो सपोज आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन किसी क्वेश्चन में आपका अगर गिवन है सीएस बाय आरएस, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, एनएस बाय डीएस, ठीक है, और अगर आपको एग्जाम में पूछ रहा है कि क्लोज लूप मतलब ओपन लूप देके अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका न्यूमरेटर रहेगा नीचे, जो भी आपका डिनोमिनेटर रहेगा उसमें आप क्या कर देना, न्यूमरेटर ऐड कर देना, ठीक है। देखो जैसे लिखा हुआ है, जैसे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर आपका दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में, तो आपको क्लोज लूप कैलकुलेट करने के लिए, आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसमें न्यूमरेटर ऐड कर देना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है कि सपोज अगर आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन किसी एग्जाम में आ गया, जनरली ये जो क्वेश्चन है ये गेट में काफी ज्यादा बार आता है, गेट में या पीएसयू में, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आरटीयू में भी एक साल आया हुआ है, ठीक है, चार या पांच मार्क्स का आया है, ठीक है, उसने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन देके रखा था और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का गेन पूछ लिया था कि इसका गेन क्या होगा, ठीक है। तो सपोज अगर आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर होता है, एनएस बाय सीएस होता है, ठीक है, ये एनएस बाय ये डीएस होता है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, तो इसका ओपन लूप क्या हो जाएगा, ओपन लूप क्या करने के लिए आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर में से आप डिनोमिनेटर माइनस कर देना, ठीक है, क्लोज लूप में क्या करना है प्लस करना है और ओपन लूप में क्या करना है माइनस करना है, ठीक है बेटा। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है, इसको भूलना नहीं है कि क्वेश्चंस आपके कैसे कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि इसका क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन आया हुआ है उसका डिस्कशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो बेटा जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है, The open loop DC gain of negative feedback, the open loop DC gain of unity negative feedback, DC gain of unity negative फीडबैक। अभी इन सब की मीनिंग बताता हूँ, ठीक है, यूनिटी का क्या मतलब होता है और निगेटिव का पता ही आपको क्या होता है उसका मीनिंग। निगेटिव फीडबैक विथ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, विथ क्लोज लूप निगेटिव फीडबैक, विथ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है आपको एस प्लस 4 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 13 इज, ठीक है, ये पूछ रहा बेटा, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है था ओपन लूप डीसी गेन, मतलब ओपन लूप का डीसी गेन निकालना है, ओपन लूप का डीसी गेन, और गेन आपको पता है बेटा क्या होता है, गेन होता है सर कि, ठीक है, एक नॉर्मली कांस्टेंट वाला जो पार्ट होता है उसको गेन बोला जाता है, ठीक है, ऑफ अ यूनिटी निगेटिव फीडबैक। अब देखो यूनिटी का क्या मतलब है, यूनिटी भी आ गया निगेटिव भी आ गया, मतलब ये जो दिया हुआ है ट्रांसफर फंक्शन, ये किसका ट्रांसफर फंक्शन है, क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन है, क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन है,
और जिसमें एच एस की वैल्यू क्या है, एच एस की वैल्यू 1 है। ये इसका मतलब है बेटा यूनिटी, ठीक है, यूनिटी फीडबैक, यूनिटी फीडबैक। और नेगेटिव का मतलब मैंने आपको समझाया ही था, जो समिंग बॉक्स होगा, ये जो समिंग बॉक्स होता है, ठीक है, यहाँ प्लस होता है या नेगेटिव होता है, ठीक है, मतलब आपका जो ये फीडबैक जो जा रहा होगा, ये जो फीडबैक आ रहा होगा आउटपुट से, यहाँ पे एच एस होता है, एच एस की वैल्यू कितनी है 1 है। अब क्लियर है, यहाँ आपका एरर होगा, यहाँ आपका जी एस होता है, ठीक है, यहाँ आपका आउटपुट कनेक्टेड होता है और ये इनपुट होता है। इतना क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है बेटा, लाइन क्लियर है। अब देखो क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, दिया हुआ है कि ये क्लोज लूप है, क्लोज लूप है जो ट्रांसफर फंक्शन जो दिया हुआ है, ये क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन है, मतलब सी एल टी एफ आपको दिया हुआ है। सी एल टी एफ क्या होता है, क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन बताया था मैंने, जी एस अपॉन कौन सा फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, तो क्या आएगा, प्लस आएगा, 1 प्लस जी एस एच एस, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एस प्लस 4 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 13, एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 13, ठीक है। अब आपको बेटा क्या निकालना है, ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन का गेन निकालना है, तो सबसे पहले ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, OLTF, क्या बताया, न्यूमरेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो लिख दो इसको न्यूमरेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर आपका क्या है, एस प्लस 4 डिवाइड बाय ठीक है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, ठीक है, इसको इंटरचेंज कर सकते हो आप, ठीक है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, ठीक है, यहां प्लस से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, किसी को भी आप पहले लिख दो, ठीक है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है आपका, एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 13 माइनस एस प्लस 4, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एस प्लस 4 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9, ठीक है। अब आपको गेन निकालना है, डीसी गेन निकालना है, देखो ओपन लूप का डीसी गेन, तो ओपन लूप का डीसी गेन कैसे निकालते हैं, ये निकल गया आपका OLTF का ट्रांसफर फंक्शन, अब आपको गेन निकालना है, तो गेन निकालने के लिए बेटा एक कंसेप्ट यूज होता है, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, एस टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, एस प्लस 4 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9, ठीक है, मतलब जो ये ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन निकला, इसमें आप s की जगह 0 पुट कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4/9, ये आपका आंसर हो गया, तो ऐसे निकलता है गेन, ठीक है, ये हो गया आपका गेन, ओपन लूप का डीसी गेन 4/9, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये बेटा ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपका क्लोज ओपन लूप दिया हुआ है तो क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकलेगा या उसका गेन कैसे निकलेगा, सपोज अगर आपको बोलता है एग्जाम में कि सिर्फ इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो यहां तक लाके छोड़ दो, ये ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपको गेन पूछ रहा है, तो गेन के लिए क्या करना है कि आपको लिमिट लगानी है एस टेंडिंग टू जीरो, तो एस जहां जहां पे एस आया हुआ है उसकी जगह पे आप जीरो पुट कर दो, तो आपका गेन निकल जाएगा, ठीक है, तो 4/9 आपका आंसर आ गया, ठीक है, इतना क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। चलिए अब बेटा अगला है आपका कि जो आपके बेसिक सिग्नल्स होते हैं, इतना क्लियर है ना, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था और उसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस हो गया, अब सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है, गेट और पीएसयू में काफी ज्यादा बार रिपीटेड है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को जब तक ध्यान में नहीं रखोगे तब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, ठीक है।
अब बेटा देखो, जो अपने बेसिक फंक्शन थे ना, बेसिक फंक्शंस, कौन कौन से थे बेसिक फंक्शंस? सर एक तो इंपल्स फंक्शन, एक सर स्टेप था, स्टेप फंक्शन, एक सर रैंप था, और एक था पैराबोलिक। पैराबोलिक ठीक है, सभी के फंक्शन आपको पता है। इंपल्स का फंक्शन क्या होता है? डेल्टी, डेल्टी इक्वल टू वन। ठीक है, स्टेप का फंक्शन क्या होता है? स्टेप का फंक्शन क्या होता है? आरटी इक्वल टू यूटी। रैंप का फंक्शन क्या होता है? आरटी इक्वल टू टी इंटू यूटी। ठीक है, और पैराबोलिक का फंक्शन क्या होता है? आरटी इक्वल टू टी स्क्वायर बाय टू। ठीक है, अब इसका लाप्लास क्या होता है? जैसे इसका लाप्लास, अगर स्टेप का लाप्लास लें तो आर एस इक्वल टू वन, इसका लाप्लास आर एस इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वायर, और पैराबोलिक का लाप्लास आर एस इक्वल टू वन अपॉन एस क्यू। ठीक है, अब देखो एक चीज है कि सपोज जैसे आपका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है? सी एस आउटपुट बाय इनपुट, सी एस बाय आर एस इक्वल टू क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन, जैसे इसको लिख दिया एफ इंटू एस या जी इंटू एस। ठीक है, जब आप सी एस की वैल्यू निकालोगे सी एस, तो ये क्या आ जाएगी? एफ एस इंटू आर एस, एफ एस इंटू आर एस। आपने एज्यूम कर लिया लेट आर एस इज इंपल्स रिस्पॉन्स, इंपल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, या इसको बोलते हैं आई आर, आई आर, आई का मतलब इंपल्स, आर का मतलब रिस्पॉन्स। ठीक है, इंपल्स रिस्पॉन्स। तो बच्चों इसका लाप्लास क्या हो जाएगा? वन होता है, आर एस इंटू वन, आर एस इक्वल टू वन। अभी आर एस इक्वल टू वन आप कहां पे रख दो? इस वाले इसमें रख दो, वन में। तो ये सी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एस इंटू वन। तो सी एस इक्वल टू एफ इंटू एस, और ऊपर वाले इसमें देखो सी एस बाय आर एस, यहां पे देखो ये सी एस की वैल्यू किसके बराबर मिल रही है? एफ एस के बराबर, मतलब। और एफ एस क्या है? ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, मतलब एक चीज क्लियर है कि अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है तो आपको लाप्लास लेना पड़ेगा किसका? इंपल्स रिस्पॉन्स का। ठीक है, अगर आपको इंपल्स रिस्पॉन्स निकालना है तो आपको लाप्लास इनवर्स लेना पड़ेगा किसका? ट्रांसफर फंक्शन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, नेवर फॉरगेट। ठीक है, बिल्कुल गार्ड बांध के इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, हर जगह काम आएगा। ठीक है, कि बेटा अगर कहीं पे भी आपको अगर इंपल्स रिस्पॉन्स नजर आ रहा है, दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में इंपल्स रिस्पॉन्स, और अगर आपको एग्जाम हॉल के अंदर में ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है उसका, ठीक है, इंपल्स रिस्पॉन्स देके रखा है कुछ भी e टू दी पावर माइनस टी प्लस e टू दी पावर माइनस टू टी, और अगर उसका ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है, आप जस्ट उसका लाप्लास ले लो, उस फंक्शंस का आप लाप्लास ले लो, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपको इंपल्स रिस्पॉन्स पूछ रहा है, आई आर पूछ रहा है, ठीक है, तो आप और ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है तो जस्ट इसका अपोजिट कर दो। पहले अपन ने लाप्लास लिया था, तो अब आप क्या करोगे? लाप्लास इनवर्स लोगे, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट
ठीक है, इसके बच्चों न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगले पार्ट में। क्लियर है? चलिए, ओके, थैंक यू।